नमस्कार, मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज ये वीडियो है वीडियो 3 जो कि मैं एक सीरीज आप सभी के लिए बना रहा हूं, जिसमें कि हम गले में हरकतें किस तरह डेवलप हम कर सकते हैं, हमारा गायकी अंग और किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो आज का जो पैटर्न है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि मैं गाऊँगा अभी सी शार्प पिच पर, तानपुरा सी शार्प पिच का ही सुन रहे हैं, और सहारा लूँगा मैं राग अहीर भैरव का। ये पैटर्न जो भी मैं आपको बताऊँगा आप इसको किसी भी राग में बना के गा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अपने पिच से रियाज कीजिएगा, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। तो पैटर्न है खटके का पैटर्न। अब यहाँ पर देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा मज़ेदार पैटर्न है, और आपने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा और कभी ना कभी इसको रियाज ज़रूर किया होगा, मगर इसका अंदाज़े बयां, अंदाज़ इसका जो है वो थोड़ा अलग है इसको गाने का। पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, सानी सा, तो सा के लिए सानी सा, उसी तरीके से पूरा कॉपी पेस्ट कर दीजिए। रे के लिए क्या होगा, क्या बनेगा, खुद दिमाग लगाइए, सोचिए। रे सा रे, ग के लिए गरेगा, माँ के लिए म गा माँ, प के लिए प मा पा, ध के लिए ध पा ध, नी के लिए नी ध नी, सा के लिए सानी सा। तो अब आपने बस ये आपने पैटर्न याद रखना है कि अभी हम जो भी पैटर्न गाएंगे उसमें जितनी बार भी ये सरगम जो है ये जो आ रही होंगी उसमें उस सरगम को लगाने का अंदाज यही होगा जो भी मैंने आपको बताया। तो अभी मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से एक बार सिर्फ सारे गामा पा ध नी सा सानी धा पा मा गा रे सा पहले आपको गाकर बताता हूँ कि सुनने में कैसा लगेगा। और ये सुनने में 3 अक्षर हैं सानी सा, बट जब हम गाएंगे तो ये 2 सुनाई देंगे। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाली बात ज़रूर हो सकती है, बट इसको अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे, और वीडियो तो रिकॉर्डेड वीडियो है तो कई बार आके पीछे करके सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सा सा जब हम बोलते हैं सा सा, तो सा सा सा, ये इसका पैटर्न भी है, और इसी को हम इसके डिटेल्ड नोटेशन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो ये एक्चुअल में सा निशा है, क्योंकि सासा जो है आप आकार में या गायकी अंग में आप सासा को 2 बार बोल ही नहीं सकते। अब कैसा होगा देखिए, सा, अभी मैंने तो मन में ये 2 बार बोल चुका हूँ मैं, बट आपको सुनने में तो नहीं आया ना, तो इसलिए आपको सुनने में आइए तो सा सा, ये तो मैं जर्क दे रहा हूँ। इसको हम आकार का दाना भी बोलते हैं, और इसका वेरिएशन जो सासा जो रिपीट हो रहा है ये भी इसी तरीके से होता है। तो कहने के लिए सासा हो जाएगा, बट डिटेल्ड नोटेशन होगा सा निसा। वैसे ही रे रे होगा, बट रे के लिए डिटेल नोटेशन होगा रे सारे, इसी तरीके से हर नोट का। तो अभी ताल 3 ताल है और BPM है 80 का BPM। इसकी स्पीड जरूर देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह इसको गाना है। धन थ्री सा 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 सा, तो सा रे गा मा पा मा गा रे। सुनने में पता लग रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है। बहुत सारी कॉम्पोजिशंस, मतलब 99.99% कॉम्पोजिशंस में कहीं ना कहीं आपको ये वाला वेरिएशन सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी योनरा का गाना हो, कॉम्पोजिशन हो। चलिए एक बार मेरे साथ गाइए इसको, सा से लेके सा तक आरोह रो करते हैं। तीन ना रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। दोबारा एक दो बार मेरे साथ गा लीजिए। धिन धिन धा धा, धिन धिन ना ता, धिन धिन धा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा, समझ आया। अब इसको आप जो भी पलटा रियाज करते हैं उसमें अप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप गा रहे हैं सारे गामा रेगा मापा गामा पा धमा पा धनी वाला पलटा, जो कि एक बेसिक पलटा है,
तो उसमें सा ऐसे ही लगाइए, रे ऐसे ही लगाइए, ग ऐसे ही लगाइए, म ऐसे ही लगाइए, पूरे पैटर्न में, तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और एक एडवांस चीज भी डेवलप हो जाएगी, हो जाएगी। टू थ्री एग्जाम्पल, सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा, समझ में आया। तो इस तरह से हर सरगम के पलटे में, मतलब जो भी आप पलटा रियाज कर रहे हैं उसके अंदर इस टेक्निक को डाल दीजिए, इसको अप्लाई कर दीजिए और रियाज कीजिए और फिर देखिए कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है और बहुत हेल्प आपको इसमें मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक बात आप कहना चाहूँगा कि इस तरह के पैटर्न्स और भी बहुत सारे चीज़ों का रियाज, जैसे राग, बंदिशें, गज़ल, भजन, इन सभी चीज़ों का रियाज हम करते हैं मेरे लाइव रियाज सेशंस में, जो कि मैं 2020 से अभी तक चलाता हुआ आ रहा हूँ। हर महीने 12 लाइव रियाज सेशंस होते हैं, सुबह का वक्त होता है। इसके बारे में आप जितनी भी डिटेल्स, अगर आप जो भी आप डिटेल्स आप लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर बहुत देर से एक नंबर पॉपअप मतलब ये आ रहा होगा टू ज्वाइन आर लाइव रियाज सेशंस। प्लीज़ जो ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हाय हेलो नमस्ते लिख के भेजिए, वहाँ से आपके साथ सभी की सभी डिटेल्स शेयर ज़रूर कर दी जाएंगी। और नंबर है 9953107615। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, नमस्कार।